Chapter 2, Class 7th, Science. Hello, my dear students. I hope you all are well and taking care of you and your family. So, let's start Chapter 2, Nutrition in Animals. First of all, take out your book. Open page number 21, Chapter 2. ठीक है? इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है. प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट एनिमल्स आर डिपेंड ऑन द प्लांट्स ऑन द एंड ऑन द अदर एनिमल्स फॉर फूड. सो एनिमल्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है. ठीक है, एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर. ठीक है, तो कौन कौन से मोड हैं, किस तरीके से वो अपना खाना इंटेक करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, सो ये सब चीज़ें हो गई. हेटेरोट्रॉप्स हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, और उनका जो फूड है वो भी अलग अलग होता है. ठीक है, और इस तरीके से उनको कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में. नंबर 1 हर्बीवोरस, नंबर 2 कार्निवोरस, एंड नंबर 3 ओमनीवोरस. ठीक है, हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस कहलाते हैं. हर्बीवोरस जैसे कि काव हो गया, ठीक है, गॉट हो गया, ये सब क्या खाते हैं, प्लांट्स. ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं या प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स हैं. ठीक है, अब आता है कार्निवोरस. कार्निवोरस जो कि फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, ठीक है, जो कि फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं. ओमनीवोरस जो दोनों कैटेगरी में आते हैं, हर्बीवोरस भी हैं और कार्निवोरस भी हैं, मतलब जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं जबकि एनिमल्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, मतलब एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओमनीवोरस. इसमें कौन आता है, ह्यूमन बीइंग आते हैं, और क्रू आता है, बियर आता है, ये सब किस में आते हैं, ओमनीवोरस में आते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. केमिकल सब्सटेंस जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड कहलाते हैं. ठीक है, और ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. गॉट इट? अब क्यों ज़रूरी होता है न्यूट्रिएंट्स, हमें क्यों ज़रूरी है एनिमल्स के लिए न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, पहले भी डिस्कस किया था हमने पहले वाले चैप्टर में, ग्रोथ के लिए. ठीक है, फूड इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस. हमें इंजरी हो जाती है तो वो हील हो जाती है, उसके लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इंटेक करते हैं और हमारे अंदर उनका डाइजेशन होता है, प्रॉपर डाइजेशन होता है. इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, या तो हम उसको सॉलिड फॉर्म में इंटेक करते हैं या लिक्विड फॉर्म में इंटेक करते हैं, लेकिन डाइजेशन प्रॉपरली होता है, उसको बोलते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, जैसे कि डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ. सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अगर आपके सामने एक थाली रखी हुई है जिसके अंदर चावल है, दाल है, चपाती है, ठीक है, रायता है, स्वीट है, और सैलेड है, ये सब है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक चपाती का पीस जो है अपने प्लेट में से तोड़ेंगे और फिर उसको मुँह में डालेंगे. ठीक है, तो ये इसको अपन क्या बोलेंगे, मुंह में डालना. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर डालना, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को क्या करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर डालते हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इंजेशन. इंजेशन, ओके. दूसरा आता है, फिर आप क्या करते हो, मुंह में डालते ही उसको च्यू करना स्टार्ट कर देते हो ऐसे करके. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, मतलब आप फूड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट कर रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, बड़े पार्ट से छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हो. ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज नॉन एज द डाइजेशन. ठीक है, तो आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हो, उसके बाद क्या होगा, हमारे पूरे प्रॉपर हम उसको स्वेलो कर लेंगे और हमारे स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में जाएगा. इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे देखो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, एन नंबर्स ऑफ सेल्स से, और हर सेल को क्या चाहिए,
फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो डाइजेशन होने के बाद सेल बहुत छोटी है तो फूड को भी बहुत छोटा होना पड़ेगा, इसलिए क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। तो अब क्या होगा, डाइजेशन होने के बाद वो जो फूड मटेरियल्स है, सिंपलर फूड मटेरियल, वो कहाँ जाएगा, सेल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। तो वो किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड में क्या हो रहा है, फूड अब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या होगा, पूरी सेल्स में पहुंचकर उसको सेल्स यूज़ कर लेंगी, ठीक है, फूड को, तो वो क्या है, एसिमिलेशन, ठीक। और फिर वेस्ट मटेरियल, ज़रूरी नहीं है हम जो भी फूड मटेरियल खा रहे हैं वो सारा पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो, कुछ मटेरियल जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं वेस्ट मटेरियल। और उस वेस्ट मटेरियल को हमें, वेस्ट मटेरियल हैज़ टू बी इजेशन, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इजेशन, ठीक है, उसको वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना बॉडी से, वो क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है, गॉट इट। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, वेज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ द फूड इन डिफरेंट एनिमल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर देयर, दे कैन बी यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, यूनिसेल्युलर कहलाते हैं, जबकि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेल्युलर कहलाते हैं। हम जो हैं बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म हैं तो हम मल्टी सेल्युलर हैं, जबकि जो अमोइबा है, ठीक है, वो यूनिसेल्युलर है। अच्छा, यूनिसेल्युलर है लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ये सेल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है, ठीक है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो अगर प्रॉपर जो सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, और बहुत सारे अलग ऑर्गेनल्स अलग अलग और भी प्रेजेंट हैं, तो वो क्या कहलाएगी, यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकेरियोटिक सेल सिंपलेस्ट सेल, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सिंपल डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वो सिंपल है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो वो क्या, वो उनके अंदर भी डाइजेशन होगा, उनके अंदर भी क्या होगा, इंजेशन होगा, और इंजेशन होगा पूरा प्रॉपर तरीके से, न्यूट्रिशन होगा। तो हम डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हैं किस किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में किस किस तरीके का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अमोइबा, अमोइबा क्या करता है, इंगल्फ करता है। इंगल्फ मतलब देखो, यहाँ पर अमोइबा जो है ये मैंने दिखा रखा है, इसकी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखो फिंगर दिखाई दे रहे हैं आपको, फिंगर जैसे, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। और ये इनसे क्या करता है, फूड को इंगल्फ पकड़ लेता है, ठीक है, और एक सर्कल बना लेता है, सर्कल उसके अंदर फूड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके की न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, इंगल्फिंग, अमोइबा के अंदर प्रेजेंट होता है। स्यूडोपोडिया इंपॉर्टेंट है, स्यूडोपोडिया किस में प्रेजेंट होते हैं, अमोइबा में। अब आता है पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम के अंदर इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसकी पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए रखी है, सीलिया, इससे ये फूड को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर इस तरीके से ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसके अंदर क्या कर लेता है, उलझा लेता है पूरे उनको, सीड्स जो फूड मटेरियल्स होता है ट्रैप कर लेता है, तो इस तरीके से हाइड्रा में प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स से। मॉस्क्यूटो में क्या होता है, ये क्या करता है, सक करता है, इसके अंदर एक एंटीना होता है जिससे हमारे पर मच्छर बैठा है तो उसके अंदर एक एंटीना होता है, वो अंदर प्रिक करता है और जिससे ब्लड सक होता जाता है। तो उस वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से वो अपना खाना ले रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर लंबी स्टिक होती है जिससे वो लंबी टंग होती है, वो स्टिकी होती है जिससे चिपक जाता है फूड मटेरियल्स और फिर वो अंदर ले लेता है। तो इस तरीके से ये फ्रॉग में हो गया। डक में हो गया कि उसकी लंबी सी बीक होती है फ्लैट, जिससे वो अपने फिशेज को और उनको पकड़ता है, ठीक है। ह्यूमन बींग हमारे हाथ होते हैं जिससे कि हम, जिसकी हेल्प से हम इंजेक्ट करते हैं अपने फूड को। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स। अब आता है न्यूट्रिशन इन अमोइबा। अमोइबा के अंदर जो है, अमोइबा क्या है, पहले तो अमोइबा क्या है, सिंगल सेल यूकेरियोटिक एनिमल है,
ठीक है, एनिमल क्यों है, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, अपना खाना खुद नहीं बनाता है। सिंगल सेल क्यों है, एक ही सेल से पूरी बॉडी बनी हुई होती है इसकी, ठीक है। और यूकेरियोटिक सेल है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, राइबोसोम भी है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, यूकेरियोटिक सेल है, ठीक है। इसके मैंने ऊपर बता दिया है आपको कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्यूडोपोडिया जो कहलाते हैं, और ये इससे अपने फूड को ट्रैप कर लेता है और एक वैक्यूल बना लेता है जिसमें कि फूड प्रेजेंट होता है, वो फूड वैक्यूल फूड को डाइजेस्ट करती है, ठीक है। और पूरी डाइजेस्ट करने के बाद उसका जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो पूरी सेल में पहुंचा दिया जाता है, जबकि वेस्ट मटेरियल उस फूड वैक्यूल में रह जाता है और वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पर बता रखा है, ये इसके स्यूडोपोडिया हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये फूड मटेरियल डोट जैसा वो क्या हो गया, ट्रैप हो गया है। अब ये क्या बना लेगा, फूड वैक्यूल बना लेगा, ये देखो फूड वैक्यूल, ठीक है, रेड कलर की दिखाई दे रही है आपको। अब ये फूड वैक्यूल ने क्या किया, ये पूरी सेल के अंदर जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है पूरी सेल के अंदर पहुंचा दिया गया है, उसके बाद वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया गया है, ये देखिए वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रहा है वापस। तो ये क्या है, डाइजेशन इन द अमोइबा। तो ये प्रोसेस हो गया, यहाँ तक आज के लिए हमारा इतना ही बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, तो आप इसको पढ़िए, ठीक है। जो भी मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए और डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, एंड और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।